नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल को रायकोट में आयोजित रैली पंजाब बचाओ यात्रा में एक बच्ची को शामिल करने पर शिरोमणि अकाली दल को नोटिस दिया। आम आदमी पार्टी ने इस बारे में शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी फंस गए। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा के तेवर सख्त होने के बाद बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने के मामले में ब्रजभूषण पर FIR दर्ज कराई गई, साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कैलिफोर्निया स्टेट इंफिनियन दुनिया की पहली ई ईंधन निर्माता कंपनी बन सकती है, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ईंधन का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की टेक्सास स्थित प्लांट कार्पस क्रिस्टी इस तरह के ईंधन के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन को अवधारणा से वास्तविकता में बदलने वाली दुनिया की पहली प्लांट बनने की राह पर हो सकती है। पूरे देश में ईद का त्यौहार हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार सुबह शहर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज हुई। इसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ बसपा सांसद मलूक नागर ने पार्टी का साथ छोड़ राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया। वह गुरुवार को जयंत चौधरी के आवास पर पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 15 अप्रैल को भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवादा लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ आसपास के लोकसभा को साधने की कोशिश करेंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ अपने सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए। पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। बृहस्पतिवार को अमेठी के मेदन मवई में आयोजित कार्यक्रम के बाद कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन के दौरान लिखकर घोषित किया कि वायनाड हमारा घर है। जब वह राहुल गांधी का घर है तो अमेठी क्या है? कहा कि मैंने लोगों को रंग बदलते देखा। कानपुर में पनकी थाने की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन पर सपा नेता सम्राट विकास यादव को हिरासत में ले लिया। इस पर सपा और कांग्रेसी नेता भड़क गए और थाने का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल सपा नेता के खिलाफ अमरापुर थाने में आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभिनेत्री एवं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मनाली पहुंच गई हैं। ठेठ कुल्लवी पट्टू को पहनकर कंगना माल रोड से पैदल चलते हुए मनु रंगशाला पहुंची। काले व सफेद डब्बे के डिजाइन वाला पट्टू और किनौरी टोपी पहनकर पहुंची कंगना के दीदार को माल रोड के दोनों ओर भारी भीड़ जुटी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।